गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 10 है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता को कवि सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मानव को इस कविता के द्वारा सराहना दी जा रही है कि आप निष्क्रिय होकर न बैठें। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो उन प्रयास के जरिए आप एक बड़ा सा कार्य कर लेते हैं। इस कविता में सोहन लाल द्विवेदी ने मानव को हमेशा कोशिश करते रहने की सीख दे रहे हैं तथा अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, हार मानकर उन्हें रुकना नहीं चाहिए। असफलता महज एक अवसर है। असफलता क्या है? एक अवसर है फिर से शुरुआत करने का। अगर आप एक बार असफल होते हैं तो पुनः उसकी शुरुआत करने का आपको एक अवसर मिलता है, और इस बार बुद्धिमानी से उसमें जो पहले कमी रह गई थी उसको सुधारने का आपको एक अवसर मिलता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि समुद्र में जब लहर उठते हैं तो उसकी जो तरंग होती है वह बड़ा भयानक होता है, लेकिन क्या अगर हम उससे डर जाएंगे, नाविक उससे डर जाएंगे तो कभी उनकी नौका पार नहीं हो सकती है। लेकिन उसी में जो नाविक कोशिश करते रहते हैं, अपने प्यास जारी रखते हैं, उनकी नौका पार हो जाती है। नन्ही चींटी देवदाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना पड़ता है। एक छोटी सी चींटी से मानव को सीख दिया जा रहा है कि एक छोटी चींटी दाना लेकर दीवार पे सौ बार चढ़ती है, फिर गिरती है, बार बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। बार बार सौ बार चढ़कर वह अपने लक्ष्य को पा लेती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। तो हमें यह सीख लेना है चींटी से भी कि जब उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है तो हमारा प्रयास भी कभी निरर्थक नहीं होगा, हमारा प्रयास भी सार्थक होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कहने का अर्थ यह है कि समुद्र के भयावह स्थिति में भी गोताखोर एक बार नहीं, मोती को पाने के लिए सौ बार डुबकियां लगाता है, और अक्सर वह खाली हाथ चला आता है, लेकिन वह अपने प्रयास जारी रखता है, बार बार डुबकियां लगाता है तो उसे एक बार सफलता मिलती है, उसे मोती मिल जाता है, वह बहुमूल्य मोती जो कि आसानी से सुलभ नहीं होता है। गोताखोर के अथक प्रयास से उसे यह सफलता मिलती है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। जब वह बार बार हैरान होता है तब उसकी उत्साह और बढ़ते जाते हैं, उसे लगता है कि मैं इस बार अवश्य ले आऊँगा मोती, मैं इस बार अवश्य ले आऊँगा मोती। इसलिए उस दुगने उत्साह से वह अपने प्रयास को जारी रखता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि जब वह दुगनी उत्साह से बार बार डुबकियाँ लगाता है तो उसकी मुट्ठी भी बार बार खाली नहीं आती है। कभी कभी उसके हाथ में
मोती आ ही जाते हैं। तो इसलिए सोहनलाल द्विवेदी ने हम मानव को, आप जैसे विद्यार्थियों को यह सीख दे रहे हैं कि आप अपना प्रयास बार बार जारी रखें। ऐसा नहीं कि इस बार अगर हमें कम मार्क्स आया है, मुझे अच्छा मार्क्स नहीं आया है, तब अब हम पास करने का भरोसा ही छोड़ दें, सोच लें कि मैं अब हमेशा नंबर 10 पे ही रहूँगा, 15 पे ही रहूँगा, क्या ज़रूरी है अपना प्रयास करना। ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदारी से, सच्चाई से विश्वास रखकर अपने प्रयास को जारी रखते हैं तो आपके प्रयास से, दूनी उत्साह से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। इसलिए गोताखोर से, चीटी से आपको यह सीख दिया जा रहा है कि आप अपने प्रयास को जारी रखें, अपने प्रयास को कभी मत खोएं। असफलता एक चुनौती है, असफलता जो है एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ये नहीं कि हम असफल हो गए तो हार मान लें। यह आपको सीख देती है, एक नया अवसर देता है कि इस बार तुम अच्छी बुद्धिमानी से कार्य करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और सफलता जो है व्यक्तियों को यह सीख देती है कि कार्य करने में शायद यह कमी रह गई थी, इस वजह से आप असफल हो। इस चुनौती को स्वीकार करो और अपनी गलती में सुधार करो। जब तक न सफलता हो, निंद चैन का त्यागो। तो जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती है, निंद को त्याग देना चाहिए। अपने लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। इस मानव रूपी जीवन में अनेकों संघर्ष हैं, जो जहाँ हैं वह संघर्ष करके ही आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में। बिना संघर्ष के सफलता संभव नहीं है। इस कंपटीशन के युग में, वर्तमान युग में, आपको संघर्ष करने के लिए हिम्मत और साहस जुटाना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। संघर्ष के बाद जब आपको सफलता मिलती है तब आपका जय जयकार होता है, क्योंकि संघर्ष के वक्त तो आप अकेले थे, संघर्ष तो आप खुद किए, मेहनत खुद आप किए, लेकिन सफलता के वक्त जय जयकार करने की कमी नहीं रहती है। सारे लोग आपके साथ हो जाते हैं और आपकी सफलता को काफ़ी सराहनीय बनाने के लिए लोग आपके साथ हो जाते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी ने बार बार मनुष्य को कोशिश करने की सीख दे रहे हैं कि आपके जीवन में जो संघर्ष आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, उसे आप सहर्ष स्वीकार करें। अभी आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो शायद आप बड़े उपलब्धि से वंचित रह जाएंगे। इसलिए कवि या लेखक ने इस तरह की जो कविता है उसके माध्यम से आपके अंदर जागरूकता की भावना भरने के लिए ऐसी कविता को आपके सामने रखते हैं ताकि बच्चे का उत्साह दुगना हो। बच्चे अभी नाजुक होते हैं, वो
जो चाहेंगे कर सकते हैं। बच्चे की मनोदशा अगर दब रही है, उसमें कुछ कमी पड़ रही है, तो हम शिक्षकों को, उनके अभिभावक को बच्चे को प्रोत्साहन देना है, ताकि बच्चे संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार हो, अपनी कोशिश को बरकरार रखें, तब उन्हें सफलता अवश्य हासिल होगी। धन्यवाद।